नॉट अ बायोपिक, एक इंस्पायर्ड कैरेक्टर है. किसी भी यू नो कोई हया बलोच कोई भी हो सकते हैं लियारी में. आप वहाँ जाएंगे, आप लिटरली मैं आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग, लेकिन आप लिटरली किसी भी कोने में जाएंगे वहाँ पे आपको एक हॉकी प्लेयर मिलेगा, एक बॉक्सिंग गर्ल मिलेगी, एक रैपर मिलेगा. लियारी इज़ फुल ऑफ आर्टिस्ट के मतलब आप जाएंगे तो आप हैरान हो जाएंगे. तो हया बलोच शायद हर दूसरा फर्द जो लियारी में रहता है वो है. मैं इस ये बात देख के बहुत हैरान हुई थी कि हमें क्यों नहीं, क्यों हमारे जो आर्टिस्ट हैं वो लियारी से ज़्यादातर क्यों नहीं निकलते और क्यों वो प्लेटफॉर्म्स नहीं प्रोवाइड किए गए जो कि होने चाहिए वहाँ पर उनके लिए. एक तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी. दूसरी ये कि वो हम कहीं शूट करने जाते हैं बहुत मुश्किल होता है, हमें बहुत ज़्यादा यू नो बाउंसर्स, पुलिस ऑफिसर्स, वहाँ पे सिक्योरिटी बहुत स्ट्रिक्ट करनी पड़ती है. लेकिन लियारी में उनको जब पता लगा कि हमारे ऊपर फिल्म बन रही है, वो इतना कोऑपरेटिव थे हमारे साथ और ख़ुद आपस में कहने लगा पिछड़ जाओ हीरोइन आ रही है पिछड़ जाओ. तो ये चीज़ मुझे बहुत ही क्यूट लगती थी उनकी. देखें किरदार तो हर मुश्किल ही होता है, वो किरदार ही क्या जो आपको निभाने में मुश्किल ना पेश आए. तो लेकिन ये कि इस दफ़ा ये थोड़ा सा डिफरेंट था. ब्रूजेस तो मुझे, मैं सच बताऊँ ब्रूजेस मुझे वैसे भी पड़ते रहते हैं. मैं घर जाती हूँ, मैं रोज़ाना शूट के बाद जाती हूँ, मैं देख रही होती हूँ तो मुझे ब्रूजेस होते हैं, मुझे याद आता है ओ आज मैं शायद किसी सोफे से टकरा गई थी, आज मैं शायद किसी यू नो कॉर्नर से. तो वो एक है, बस एक थोड़ी सी क्लम्जी नेचर है. लेकिन हाँ परफॉर्म करने में और उसकी रिहर्स करने में मेहनत लगती थी, लेकिन मज़ा बहुत आता था. आई एम नॉट अ रैप फैन. मेरे काफ़ी सारे दोस्त हैं जो रैप बहुत ज़्यादा सुनते हैं, वो कान्या वेस्ट सुनते हैं, वो 50 सेंट सुनते हैं, मतलब लिटरली. लेकिन मुझे ये चीज़ें बिल्कुल, मुझे आई थिंक मैं क्लासिकल, आई एम मोर इन टू क्लासिकल म्यूज़िक. तो ये एक पहला मेरे ऊपर एक पहला यू नो एक फ्लेवर था जो मैंने एक्सप्लोर किया अपनी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम, और बहुत मज़ा आया और बहुत आसानी से इसलिए भी याद हो गया क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें वही रिलेटेबल थी. यू नो कि स्ट्राइक्स, शटर डाउन स्ट्राइक्स हो रही हैं, टारगेट किलिंग हो रही है, सड़कें टूटी हुई हैं, पानी नहीं आ रहा घरों में, गैस नहीं आ रही, बिजली नहीं आ रही. तो यू नो ये वो वाली चीज़ें जो शायद बीइंग अ कराची हाइट हम सब ने कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस की हैं. तो मुझे लगता है ये बात कहीं नहीं जाती. तो ये सॉन्ग में बड़ी शिकायतें हैं, एंटरटेनिंग वे में हमने शिकायतें की हैं, लेकिन ये है कि ये शिकायतें होती हैं कराची के अंदर. तो कराची को भी मुझे लगता है कि हुकूमत को थोड़ा सा सपोर्ट करना चाहिए, मतलब अपना समझना चाहिए. टिकट मुझे लगता है कि अब इतनी महंगाई है सारी चीज़ें, प्लीज़ टिकट तो सस्ते कर दें. वो एक ऐसा मुल्क जहाँ पे आटा लेने के लिए पता नहीं लोग घंटों इंतज़ार कर रहे हैं, वहाँ पे ऑब्वियसली फ़िल्म देखने जाना एक बहुत बड़ा अलमिया है, ये बात मैं बिल्कुल कहती हूँ. लेकिन क्या करें, गवर्नमेंट को आई थिंक इस चीज़ों को, आर्ट को सपोर्ट करना चाहिए, हमारे आर्टिस्ट को सपोर्ट करना चाहिए. और पहली बात तो ये कि मैं ये कहती हूँ अच्छी नहीं लगूंगी कि फ़िल्म को सपोर्ट करें. मैं सबसे पहले तो ये कहूँगी कि प्लीज़ बेसिक जो बुनियादी चीज़ें आवाम की वो पहले आप पूरी कर दें, उसके बाद फिर मैं अपनी चीज़ की भी कहूँगी कि वो भी आर्ट को भी सपोर्ट करें, क्योंकि आर्ट किसी भी मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहा होता है ग्लोबली.